सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के एक और नई वीडियो में। और गाइस, तुम्हारा भाई लेके आ चुका है तुम्हारे लिए भाई आर्क इटरनल का एक और नया एपिसोड। आर्क इटरनल के पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि ये खतरनाक वाला भाई इन्फर्नल गीगा जो है ना, हमने पिछले एपिसोड में करा था टेम, एंड इस गीगा से हमने भाई टाइटन गॉड की बना दी थी पिछले एपिसोड में भाई बुर्जी। अगर आपको भाई इसकी टेमिंग की और भाई टाइटन बॉस से भाई फाइट की जो है ना वो वीडियो देखना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई गेमिंग विद एनी के चैनल का, जिनके चैनल पे भाई इसको टेमिंग की एंड भाई फाइटिंग की वीडियो मिल जाएगी, तो चेकआउट करना नहीं भूलना। एंड भाई गेमिंग विद एनी 35,000 सब्सक्राइब के काफी ज्यादा नजदीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी के अभी फटाफट जाके भाई सब्सक्राइब करके आ जाइए गाइस, ठीक है? तो गाइस, आज के इस एपिसोड में क्या करने वाले भाई हम, आज के इस एपिसोड में भाई हम टेम करने वाले इफर्नल वाला एक और डायनो, एंड वो है गाइस माय फेवरेट गाइस ग्रिफिन। यस गाइस, तुम्हारा भाई आज के इस एपिसोड में, एक मिनट रुक जाओ, आज मैं ग्रिफिन टेम करूँ या फिर यहाँ पे मैंने पिछले एपिसोड में जब हम ये गीगा को टेम कर रहे थे ना, तब वहाँ पे मेरे को स्प्रिट वाला भाई ड्रैगन दिखा था भाई, रुक जाओ, ओ स्पेक्ट्रल गाचा स्पेक्टर रॉक ड्रेक, ये यहाँ पे हमको स्प्रिट वाला गाइस वाइब्रन पिछले एपिसोड में दिखा था ना ड्रैगन, आई थिंक हमको पिछले एपिसोड में भाई पक्का सोड़क का भाई ड्रैगन दिखा था, क्या उसकी पेड़ी बन गई है? एक मिनट रुक जाओ, क्या उस स्पिरिट ड्रैगन के, ओ भाई यहाँ पे टाइटन गॉड अभी तक जिंदा है भाई, एक का डबल वाला, ओ यहाँ पे जो स्पिरिट ड्रैगन हमको पिछले एपिसोड में दिखा था ना, उसकी पेड़ी गाइस बन गई है, ठीक है पेड़ी बन गई, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, अपन टेम कर लेंगे एक और स्पिरिट ड्रैगन को, ठीक है बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अभी अपन क्या कर रहे थे, अपन भाई फटाक से भाई अपने होम पे चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है हियर वी गो, मेरे बच्ची आ जा होम टू पे, एंड भाई यहाँ पे हम भाई इफर्नल ग्रिफिन को टेम करने वाले आज के एपिसोड में। और यहाँ पे इफर्नल ग्रिफिन की मैं लोकेशन निकाल लेता हूँ, ठीक है हियर वी गो, ग्रिफिन सर जी कहाँ पे हो? ग्रिफिन, ठीक है फायर बियर नहीं चाहिए भाई, ये रहा भाई इफर्नल ग्रिफिन 510 लेवल का है भाई, 30 और 24, ओके ठीक है, ये कहाँ पे लोकेशन है? 30 और 24 सर जी, 38 और 24 यहाँ पे 24 है। अबे तो ग्रिफिन वैली में भाई, ग्रिफिन वैली में ना तुम्हारा भाई जाएगा भाई आज उड़ उड़ के, भाई तुम्हारे भाई को आज उड़ उड़ के जाने की बहुत ज़्यादा ही चुल मची हुई है। तो यहाँ पे ये रहे अपने भाई विंग्स, रेडबुल गिव यू विंग्स, ठीक है तो यहाँ पे अपन ने रेडबुल पी लिया और निकल लेते, चलो लेट्स गो भाई, एक सेकंड का काम है भाई, भाई जब से विंग्स अपने हाथ आए हैं ना भाई, भाई अपन को कहीं पे जाने का भाई कोई टेंशन ही नहीं रहा भाई, एक सेकंड में कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, बस ये थोड़ा सा अगर ये पहाड़ी बिहाड़ी आ जाते हैं ना, बाप रे उल पीछे ना पड़ जाए, पड़ गया क्या पीछे? नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, चलो भाई लेट्स गो। ओए भाई टच नहीं करना वहाँ पे, ठीक है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस क्रीचर होते हैं, ठीक है चलो भाई अपन आ चुके भाई ग्रिफिन वैली में, वहाँ पे मेरे को ड्रैगन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लैंड करा ले, ओके ओ शिट भाई डायरेक्टली ग्रिफिन के सामने लैंड कराया क्या? अब ये तो 450 लेवल का है, मेरे को 510 लेवल का चाहिए, रुक जाओ 510 510 510 510, ये कौन सा है? नॉर्मल है क्या भाई इस ग्रिफिन? भाई इतना तेज उड़ता हूँ ना मैं इसके ऊपर कि भाई मैं लोकेशन उसका नाम भी नहीं पढ़ पाया। हेलो फ्रेंड, वेयर आर यू फ्रेंड, क्या वही था क्या वो ग्रिफिन? यार भाई ग्रिफिन तो दिखाई दिया था कच करके मेरे को, लेकिन अभी वो भाई गायब हो गया भाई, रेंडर से बाहर चला गया क्या? ओ ये क्या चीज़ है, वट इज़ दिस? अच्छा वहाँ पे भी एक ग्रिफिन है, रुक जाओ मेरे को यहाँ पे अपना एक ग्रिफिन बुला दो भाई। छोटू, ये छोटू भाई, छोटू मेरे कंधे पे होगा ना छोटू? छोटू कहाँ पे? छोटू इधर आ भाई, ऐसे कैसे भाई? हाँ ठीक है अभी कंधे पे, वो अलग बात है दिखाई नहीं दे रहा लेकिन कंधे पे रहना, ठीक है यहाँ पे ग्रिफिन मेरे पास कौन सा है भाई? प्राइम ग्रिफिन है ना, इधर आ भाई रुक जाओ, प्राइम ग्रिफिन से अपन भाई इसकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पे बताइए। 3824 मैं कहाँ पे हूँ? 3827 पे हूँ, 24 कहाँ पे होता है सर? 3824 क्या वही है क्या? वो ग्रिफिन ने बाबा, वो वाइब्रन है बाबा, 24 इधर, ठीक है 24 मतलब मेरे को इधर जाना है, ठीक है। ओ ये रहा, ये कौन सा है? ये तो नॉर्मल ग्रिफिन है भाई, हमारा इफर्नल ग्रिफिन। ओ यस ये रहा भाई, टॉर्पर 2.3 मिलियन, ज़्यादा टॉर्पर नहीं है तो अपन गन से इसको मस्त बेकी टॉर्पर दे सकते हैं भाई। देख रहे हो तुम्हारे भाई का एम, तुम्हारे भाई का एम कतई ज़्यादा ओपी होता है भाई, पहला ही शॉट एकदम भाई कच करके भाई मुंह पे, ये दूसरा शॉट देखो, पट पट सेड शॉट लगानी, ये दूसरा शॉट लगानी, अभी तीसरा शॉट देखो, तीसरा शॉट देखना ठीक है, ये देखना ये देखना, कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत होगी, वापस से गलत होगी, लग जा भाई इज्जत जा रही है, ओके लग गई भाई, मारी नहीं रहा, मारने के लिए आ गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये अपने मुँह से अगर लाइटनिंग फेंके ना तो मजा आ जाएगा यार, ये लाइटनिंग फेंकने वाला ग्रिफिन होना चाहिए। आ ये खतरनाक खतरनाक, ठीक है 1.5 मिलियन तक पहुंच चुका है इसका टॉर्पोर पार्ट से, भाई एक भी हिट नहीं खाया भाई तुम्हारे भाई ने अभी तक भाई, विदाउट हिट भाई इसको अगर मैंने टेम कर लिया तो भाई हो गया टेम, विदाउट हिट टेम कर लिया मैंने इसको, लो भाई
विदाउट डैमेज खाए, पहली बार मैंने किसी ग्रिफिन को टेम करा होगा। इधर आ इधर आ इधर आ, पार्टी से हेड शॉट, रुक जा तेरे पिछवाड़े में गोली मारता हूँ, रुक जा भाई रुक जा, आखिरी वाला ओके ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, भाई गन अंदर डाल, गन अंदर डाल। नीचे कौन है भाई? सार को बिरको दिखाई दे रहा है, नॉक्शियस है वो भी भाई, चिटे। अबे यार उसको मारने जा रहा है जल्दी भाई, गन डाल ना अंदर। ओके नहीं मारने नहीं जा रहा, एक मिनट रुक जाओ ग्रिफिन, बाप रे तू तो भाई आसमान की गहराई में चला, अच्छा सॉरी आसमान नहीं ओशन की गहराई में चला गया भाई डायरेक्टली। ठीक है भाई ये भी सही है, क्या चाहिए तेरे को? ए ग्रिफिन रुक रुक रुक, ये पे रुक, ये पे रुक, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, रुक जा वहीं पे रुक ना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है रुक जाओ, मेरे को इसके अंदर टेमल पर डालने दो, उसके बाद इसके अंदर मेरे को मीट डालने दो, एंड भाई हो गया भाई टेम एडा, हाँ यस ओके। अब भाई रुको जरा भाई, सारे भाई ऊपर चले जाओगे, मैं क्या भाई हैं, ये क्या बात है भाई, रुको जरा भाई ये, अबे 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 अबे, एक काम कर, जा ऊपर जा ऊपर जा, मैं आ रहा हूँ ऊपर भाई। मैं तभी बोलूँ मैं इसको फॉलो क्यों नहीं कर पा रहा, मैंने भाई मेरा जेट नहीं पहना हुआ ये। ओके ठीक है, हाँ यस, अभी पानी देख रहे हो कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, खतरनाक ना। ओके ओपी लेट्स गो, ओके कच करके बाहर निकल जाओ। इस प्राइम को पहले मेरे को क्राइव करने दो, इधर आ मेरे बच्ची, अभी इसको लेके अपन घूमेगा ठीक है। ये जो अपना भाई इफर्नल ग्रिफिन है ना, इसको लेके घूमेगा अपन, हाँ यस। वो भाई इसकी स्पीड कितनी है भाई, इसने स्पिरिट की याद दिला दी यार मेरे को, स्पिरिट ग्रिफिन की भाई इतनी स्पीड है भाई। इसका लुक काफ़ी खतरनाक है भाई और काफ़ी कूल लग रहा है भाई ये। यहाँ पे बैठ जाओ ऊपर मस्त बिकी, ऐशाबाश। ओके अरे बाप रे पीछे चल पीछे चल पीछे चल। ओके नाइस, यहाँ पे बैठ यहाँ पे बैठ। ओके डके ब्रो, ओके बताइए सर, इसका लुक पहले आपको दिखा देता हूँ ठीक है, रुक जाओ। ओके ये देखो भाई पूरा पूरा भाई पर्पल, ये इफर्नल वाले सारे के सारे जो डायनो है ना भाई, सारे के सारे पर्पल ही होते हैं भाई, ये देख रहे हो पूरा का पूरा पर्पल। और ये लाइट चमक रहा है क्या? कुछ चमक नहीं रहा भाई, चमक नहीं रहा, एंड भाई नॉर्मल ग्रिफिन जैसा है, बस भाई पर्पल दिखाई दे रहा है। इसके पास अटैक है ये वाला, बाइट अटैक लेफ्ट क्लिक से। ओके उड़ने पे मे भी इसके सारे अटैक दिखाई देंगे, बाइट अटैक लेफ्ट क्लिक से, ग्रैब करने वाला अटैक सी से, एक से कंट्रोल जेड। भाई काश ये मुंह से भाई लाइटनिंग फेंक पाता यार, मजा आ जाता यार, कोई दिक्कत नहीं। ये कितने बड़े डायनोस को उठा सकता है? अच्छा एक मिनट, इसका डाई बॉम्ब कितने का जा रहा है? अबे भाई भाई स्पीड इसकी काफ़ी ज़्यादा है यार। ठीक है डाई बॉम्ब कितना है? ये डाई बॉम्ब दिखाई नहीं दिया, व्हाट द हेल भाई, डाई बॉम्ब क्यों नहीं दिखाई दे रहा मेरा? आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा तेज हूँ क्या? लग तो ऐसे रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा तेज़ी से जा रहा हूँ। मैंने बैकस्पेस दबा के रखा है। अच्छा 57,000 का डाई बॉम्ब जा रहा है मेरा, काफ़ी बढ़िया। ऊपर से भाई फ्लेमिंग अटैक भी दे रहा है, जो कि भाई इफर्नल के लिए भाई नॉर्मल सी बात है। ठीक है हियर वी गो, नॉर्मल अटैक कितना जा रहा है मेरा? 26,000 नॉर्मल अटैक है मेरा, एंड डाई बॉम्ब है भाई 56,000 का। ठीक है मतलब 1 या 2 मिलियन इसका चला जाएगा भाई, 1 या 2 मिलियन। पानी के अंदर कैसे जा रहा है? ओह भाई इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है यार, हद से ज़्यादा स्पीड है भाई इसकी। भाई स्पिरिट के लेवल का तो नहीं है, मतलब स्पिरिट की इतनी तो इसकी स्पीड नहीं जा रही है, लेकिन भाई उसको मैच कर सकता है भाई, टक्कर दे सकता है भाई, खतरनाक भाई खतरनाक। सारे स्पाइनों के आज भाई यहाँ पे मौत आई है। नाइस नाइस, एक काम कर लेता हूँ, इसको कच करके भाई ये कर लेता हूँ, मैक्स लेवल कर लेता हूँ उसको। यहाँ पे कहीं पर ऊपर बैठ जाता हूँ, आराम से बैठ जा बैठ जा। अबे बैठना बाबा। ओके ठीक है हियर वी गो। इसके अंदर भाई एक्सपी पोशन भाई इसने खुद ही ले लिया है, तो वही इसको खिला देते हैं, एंड हियर वी गो। चल भाई ओके 100 कर लूँ क्या? 100 कर लेता हूँ ना, 100 मिलियन हेल्थ इनफ रहेगी इसकी। ठीक है उसके बाद ये हीट पोशन खा ले, हॉट पोशन सॉरी नॉट हीट पोशन। उसके बाद सारे के सारे पॉइंट इसके डैमेज में। ये कौन आ गया भाई? मेरे को लगा भाई पेगासस मेरे को मारने के लिए आ गया क्या? सच में मारने के लिए आया क्या पेगासस? बावड़ा हो गया क्या? ओके 100 मिलियन इसकी हेल्थ हो चुकी है, ज़्यादा हेल्थ नहीं करी है मैंने। ठीक है अभी इसके सारे डैमेज में पॉइंट डाल लेता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है हियर वी गो। इसका डैमेज 1 या 2 मिलियन ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जा पाएगा। ये कितने बड़े डायनो को उठा सकता है एक बार देखने दो मेरे को, क्या ये भाई बड़े से ब्रोंटो को उठा सकता है? कैसा है बाबा ब्रोंटो को उठाना? हाँ यस भाई खतरनाक भाई खतरनाक, किसी भी बड़े डायनोस को ही उठा सकता है, बस भाई हवा में इसको मार नहीं सकता। अच्छा मार सकता है 1.9 मिलियन, ठीक है भाई उतनी भी ज़्यादा डैमेज नहीं दे रहा है, 1.9 का ही डैमेज दे रहा है। ओके डाई बॉम्ब इसका काफ़ी ज़्यादा होगा, डाई बॉम्ब मेरे हिसाब से 3 या 3.5 या 4 मिलियन जा सकता है भाई। रुक जाओ डाई बॉम्ब एक बार चेक करने दो मेरे को भाई, डाई बॉम्ब के लिए भाई इतने तेज जा रहा है ना ये कि मैं डाई बॉम्ब भी नहीं मार पा रहा हूँ। ठीक है कितना जा रहा है? 1.9 ही दिखाई दे रहा है। रुक जाओ यहाँ पे डाई बॉम्ब मारता हूँ, रुको 4 मिलियन, नाइस काफ़ी बढ़िया काफ़ी बढ़िया काफ़ी बढ़िया काफ़ी बढ़िया। इधर आ
इधर आओ सारे। नाइस भाई नाइस, काफ़ी सही है भाई, काफ़ी सही है। और बर्निंग अटैक भी दे रहा है। एंड भाई और कुछ मेरे हिसाब से इसमें दिखाने के लिए बचा नहीं है, ठीक है। पार्टी से हेड शॉट, ठीक है भाई, इतने ही जलवे भाई इसके, और कुछ खास दिखाने के लिए बचा नहीं है। किसको मार भी नहीं सकता। एक काम कर लेता हूँ, वो वहाँ पर जाता हूँ ना ज्वालामुखी के पास, एंड वहाँ पर डायनोस की पेटी बना देता हूँ। जो भाई स्केलेटन वाले डायनोस होते हैं ना, वहाँ पे बस कोई बॉस ना स्पॉन हो जाए, अगर बॉस स्पॉन हो गया ना तो मेरे को मार देगा उल्टा, ठीक है। यहाँ पे गीगास काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एंड अगले ओ लावा से बच के रहे। ओ भाई यहाँ पे वॉल्केनो देख रहे हो भाई, फट चुका है भाई पूरी तरह से वॉल्केनो, देख रहे हो भाई गोले भाई बाहर निकल रहे वॉल्केनो से। और भाई अगले एपिसोड में भाई अपन टेम करने वाले भाई इफर्नल इंडोमेस रेक्स को, ठीक है। और वो वीडियो आ जाएगी भाई एनी के चैनल पे, तो चेकआउट करना नहीं भूलना वो वीडियो। यू आर किल्ड बाय इटर्नल रोबोट इनफोर्स, कोई इज्जत ही नहीं है भाई। भाई ये कैसे भाई, भाई पता भी नहीं चला कि मर रहा हूँ करके, डायरेक्टली मार दिया भाई इसने तो, ठीक है भाई ये भी सही है। चलो भाई भाई ये पता भी नहीं चला भाई, मैं तो भाई आराम से जा रहा था, मेरे को लगा भाई मैं मार दूंगा सबको। रुक जाओ इनफोर्स की भैंस की अख्या, रुको 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 रुको, एक काम कर एक काम कर एक काम कर एक काम कर, हिलीना लगा, उसके बाद अपना टेक वाला सूट लगा, उसके बाद यहाँ पे स्किन जो है भाई वो सारी ड्रॉप कर ले, उसके बाद यहाँ पे अपने विंग्स लगा। रेड बुल गिव यू विंग्स, ओके लेट्स गो लेट्स गो भाई, उड़ उड़ के जाएगा तुम्हारा भाई, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, उड़ उड़ के वहाँ पे भाई मैं उस रोबोट को कैसे मारूंगा, रोबोट इनफोर्स को, उसके लिए मेरे को भाई इस ड्रैगन को लेके जाना पड़ेगा भाई सीधा अंदर। भाई देख रहे हो भाई तुम्हारा भाई कितने अच्छे तरीके से भाई चला रहा है इसको, ठीक है। चलो चलो भाई चलते हैं वॉल्केनो के पास, और भाई उसकी पेटी बना के आता उनको, ओके। अभी मेरे को ये पता नहीं गाइस कि मैं यहाँ पे मरा कहाँ पे था, मैं आ तो चुका हूँ वॉल्केनो के पास, ये पत्थर अगर मेरे को लगेगा तो कैसा होगा, रुक जाओ पर्सनली भाई मेरे को ट्राई करना है, ठीक है। डर गया मैं भाई, देख रहे हो ओई हुई 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 ओई हुई 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 हुई, खतरनाक भाई, पट्ट से डायरेक्टली हेडशॉट लगेगा और मर जाऊंगा, इतना तो पता है। ये रहा इनफोर्स, इनफोर्स साढ़े तेरी हेल्थ तो इतनी सी है, ऊपर से शानपट्टी कर रहा है, देखा ऐसे होता है भाई, अपन से पंगा पड़ेगा महंगा, याद रखना भाई। छोटू इधर आ भाई, छोटू इधर आ भाई, हमारा छोटू जिंदा है भाई, ठीक है, हमारा छोटू जिंदा है, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। कहाँ पे भाई वो, कहाँ पे चला गया ये ग्रिफिन, कहाँ पे है ए भाई, भाई ग्रिफिन वहाँ पे बैठने के लिए, बाप रे तू क्या भाई जमीन के अंदर मुंह डाल रहा है क्या। अबे यार अबे ये टाइम पे भाई रुकता क्यों नहीं है, ये ले भाई, अबे बिठा ले, अबे साले बिठा ले रे बाबा, अबे अबे मरने के बाद बिठाएगा क्या, बिठा ले 100-150 ज़्यादा ले, लेकिन लैंड करा दे भाई, लैंड करा दे भाई, लैंड हो जा लैंड हो जा लैंड हो जा, रुका रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, हाय शाबाश रुक जाओ मेरे को ये ठीक करने दो, ठीक है ये मेरे को ठीक करने दो भाई, ठीक हो जाए भाई, ग्लास ठीक नहीं हो रही, ओके ठीक है हो गई, लेट्स गो भाई। आइए अब भी मजा आएगा ना, वीडियो कौन था भाई, ले भाई पार्ट से हेड शॉट, ठीक है। वो इनको भी भाई इफर्नल फ्लेम पर चढ़ रही है यार स्केलेटन वालों को, काफ़ी बढ़िया भाई काफ़ी बढ़िया, ये ले पार्ट से हेड शॉट। अभी भाई सबसे पावरफुल जो चीज़ें हैं ना अपने, वो बॉस स्पॉन हो गया, जिस बात का भाई हमको डर था वही हुआ आखिरकार, यहाँ पे एक बॉस स्पॉन हो चुका है, लेकिन ये बॉस तो नल्ला है, इस बॉस को तो तुम्हारा भाई इसे पहली फुर्सत में फेल देगा, पार्ट से हेड शॉट, ये ले ये ले ये ले ये ले पार्ट से हेड शॉट, ये ले पार्ट से पार्ट से पार्ट से हेड शॉट, ले 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 मेरे बच्ची ले भाई, ये बॉस तो अपने सामने कुछ भी नहीं है भाई, तू तो बच्चा है मेरे सामने, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, खत्म भाई खत्म खत्म, तेरे को तो डाइव बॉम्ब मारने की भी जरूरत नहीं है ऐसा लग रहा है मेरे को, तू तो ऐसे ही मर जाएगा। डाइव बॉम्ब ट्राई करता हूँ मैं, फिर भी ट्राई करता हूँ, 2-2 मिलियन का डाइव बॉम्ब पड़ रहा है, मतलब बॉस के ऊपर मेरा हाफ डैमेज पड़ रहा है, ठीक है। आप बोले भाई तेरे को डैमेज कैसे दिखाई दिया, हमको तो नहीं दिखाई दिया भाई, मतलब वो जब मैंने बैक स्पेस, ये देखो देख रहे हो 1-1 मिलियन का पड़ रहा है, एंड डाइव बॉम्ब मारने में 2 मिलियन का पड़ रहा है, ठीक है। अपन अंतर्यामी है गाइस, ठीक है, ले भाई यू आर डेड भाई, इसकी आंखें देख रहे हो कैसी सफ़ेद सफ़ेद है भाई, इसी बात का डर था, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई खतरनाक बॉस ऐसा बॉस स्पॉन नहीं हुआ जो अपन को भाई स्टन कर सके, ठीक है। ये फायर अटैक दे रहा है जो कि अपन झेल सकते बड़े आराम से, 19 मिलियन और यू आर डेड ब्रो यू आर डेड डेड, 10 मिलियन नाइस ओके खतरनाक, 8 7 6 5 ठीक है, 3 खत्म खत्म, 2 एंड ले भाई जादू की चप्पी और पप्पी एक साथ, बाय बाय हैव अ ग्रेट टाइम, तेरे को दुआओं में याद रखूंगा, एंड मेरी हेल्थ भाई ओके ठीक है, 30% तो इसने डाउन कर दी भाई मेरी हेल्थ, ज़्यादा तो नहीं कर पाया लेकिन 30% डाउन कर दी भाई,
खतरनाक भाई, नाइस नाइस। ठीक है तो गाइस एक काम कर लेते हैं, आज का जो एपिसोड है आर्क सर्वाइवल इवोल का आर्क इटर्नल का इस एपिसोड में बस इतना ही। ठीक है हमने आज ये जो ग्रिफिन टेम कराया ना भाई, ये ग्रिफिन है फीमेल, तो इस फीमेल वाले ग्रिफिन के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में खतरनाक एंड ओपी वाले फीमेल वाले नाम सजेस्ट करना नहीं भूलने का। और काफी ज्यादा जल्दी अपना आर्क इटर्नल जो है ना भाई वो होने वाला है समाप्त गाइस। ठीक है आर्क इटर्नल की होने वाली बहुत ज्यादा जल्दी समाप्ति। ठीक है तो गाइस आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, एंड अगले एपिसोड में आपको बताइए अपन क्या टीम करने वाले और वो वीडियो आने वाले एनी के चैनल पे, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना उनके चैनल पे वो वीडियो को। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आज का एपिसोड आपको आया होगा पसंद तो इस वीडियो को दीजिएगा लाइक एंड शेयर, अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low.